ऐसे ब्लाउज बनाई है, छोटे छोटे से ब्लाउज धोती बना रखी है, कुर्ते बना रखे हैं, और दो पे ये ऐसी वाली लेस आ गई। मौसम कितना खतरनाक हो रखा है। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कुसुम पहाड़ी में। तो आ गई हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, और वीडियो की शुरुआत हो गया 11 बजे से। तो सबसे पहले दिखा दी जाए चंबा का मौसम। तो आज भी चंबा में सुबह से बारिश हो गई, मौसम भी ठंडा हो गया है। आज के पहाड़ों में मेरी बारिश ही हो रही है, और मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। तो फ्रेंड, बाहर तो और काफ़ी ठंडा है, लेकिन हमारा काम तो अंदर का ही है। तो अभी मैं काम शुरू करने लग गई हूँ, और आपको दिखाती हूँ आज का काम। तो आज मैंने ये कटिंग करके रखी हुई है, एक ये है और एक ये है। तो इनके बना रही मैं 3 बच्चों के धोती सलवार, जो थोड़ा बड़ा है, फिर छोटा और उससे छोटा। तो मुझे बनाने आज 3 लड़कियों के और 3 लड़कों के कपड़े। तो कुछ शायद कुछ कार्यक्रम है उसके लिए चाहिए, मुझे आज ही बनाने हैं। और आज मैं लास्ट में दिखाऊंगी कैसे बना रहे हैं। और यहाँ पर मैंने लड़कियों के कपड़े काट के रखे हुए हैं। तो अभी करती हूँ काम शुरू। हेलो फ्रेंड, तो अभी मिल रही हूँ मैं आपको सुबह दिन के 1 बजे। और अभी मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो मैं इस तरह सिलाई पर लग गई थी। तो अभी तक सिला है मैंने ये वाला धोती, और दूसरी वाली धोती लगा रखी है। और आज देखो मौसम कैसा हो रहा है एकदम से बिल्कुल। तो अभी हमारा खाना भी बन गया है, और आज मैं बच्चों को लेने नहीं गई, क्योंकि आज बच्चों के पापा घर ही थे, तो वही गए बच्चों को लेने। तो अभी देखो मौसम कितना खतरनाक हो रखा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है बस बारिश आने वाली होगी। हल्की हल्की बूंद बांधी तो होने लग गई है, तब तक बच्चे आ जाएँ तो अच्छा ही है, जब भीग जाएंगे तो एकदम से जुकाम हो जाएगा। चलो मैं तब तक कर लेती हूँ कुछ काम, उसको आगे सीखती हूँ, और बच्चे आएंगे तभी खाएंगे खाना पीना। आने वाले होंगे जो 2-4 मिनट में। तो अभी मैं इसको सीखती हूँ। और ये वाले जो कपड़े हैं ना, तो मैंने पिछले बार अच्छे को पहना है कि जो धोती और कुर्ता, तो उसको देख के इसका ऑर्डर भी आया है कि बिल्कुल वैसे बनाना है, इसलिए ये 3 धोतियाँ रखी हैं और 3 कुर्ते इनके साथ। वैसे ये वाली धोती है ना काफी कंफ्यूज कर देती है, पता ही नहीं चलता कि कहाँ से कौन सा वाला उठाना है। और जो नए नए लोग होंगे तो उनको तो बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा ये बनता कैसे। फ्रेंड्स, तो मिल रही मैं अभी आपको सीधा रात को, मतलब ये अभी टाइम हो रहा है 7:30। अभी दिखाती हूँ मैं आज आपको कि क्या क्या बना है। तो सिलाई का तो मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि उसमें कुछ समझ में आने वाला था नहीं, तो मैंने सोचा कि सीधा बाद में दिखाऊंगी। तो आज का काम दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये इससे करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले ये है एक छोटू सा साड़ी, और ये काफ़ी प्यारा लग रहा है, देखो कितना सुंदर सा है। और ये साड़ी हो गई, और ये इसका पल्लू है, कुछ इस टाइप से आके और ऐसे में आ जाएगा।
ये छोटे से बच्ची का है, 4-5 साल की बच्ची का है ये, तो ये कुछ इस टाइप का लग रहा है और काफ़ी प्यारा लग रहा है ये वाला। और इसके बाद है दूसरे नंबर पे है ये वाली साड़ी, तो ये है 7-8 साल की लड़की की, तो इसको मैंने बेल्ट वाला बनाया है और यहाँ पीछे इसके रबड़ भी डाल रखे हैं और यहाँ पे मैंने इस पर हुक लगा रखी है, तो इसको सीधा ऐसे पहनना है इस टाइप से। और ये इसकी साड़ी हो गई और इसका मैंने पल्लू भी तैयार करके रखा है, ये सारी साड़ियों का मतलब, इस वाले का भी और इसका भी और एक और है उसका भी, तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो इन पर मैंने पल्लू तैयार करके दिए हैं क्योंकि ये छोटी बच्चियों के हैं, तो ये कुछ इस टाइप से आएगा और ये काफ़ी सुंदर लग रही है। और इसके बाद है इससे थोड़ा बड़ी साड़ी, तो ये है 10 से 12 साल की, ये भी सेम ऐसे ही है, पीछे से इसमें इलास्टिक है और ये इसमें हुक लगा रखी है, और इसका भी हमने ये पल्लू फिक्स कर रखा है, तैयार कर रखा है मतलब, तो ये भी कुछ इस टाइप से लगेगी। और ये छोटी छोटी साड़ियाँ काफ़ी सुंदर लग रही हैं, तो ये 2 साड़ियाँ थी तो जिसमें से काट के 3 साड़ियाँ और 3 कुर्ते बने हैं, तो कुर्ते तो अभी नहीं बने, कुर्ते कटिंग करके रखे हैं, तो जब बन जाएंगे उनको भी दिखाऊँगी। तो ये कितनी प्यारी लग रही है छोटू सा, और ये धोती है, तो ये है 3 से 4 साल के बच्चे की, और उसके बाद है दूसरी धोती ये वाली, तो ये है 7-8 साल के बच्चे की धोती, और उसके बाद है ये वाली धोती, ये है 10 से 12 साल के बच्चे की, ये थोड़ा बड़ी है, ये कुछ इस टाइप की है। और तो आज का ये मेरा पूरा काम इतना है, और अभी खाना बनाने का टाइम हो गया है, खाना बनाने के बाद सिलूंगी मैं, और क्योंकि अभी इनके 3 ब्लाउज और 3 कुर्ते बनाने बाकी हैं, और याद है ये डांस कर रहे थे, और कल से इनके टेस्ट भी शुरू हो गए हैं, तो कल से तो ये जल्दी आ जाएंगे और तब मजाएंगे एकदम। रुको हाय, पढ़ाई हो गई क्या पढ़ा है, किस चीज का पेपर है कल, इंग्लिश का पेपर है इसका कल, तो अभी खाना बना लेते हैं उसके बाद दिखाती हूँ मैं आगे का क्या क्या बनता है आज, और कल तक मुझे ये सारे काम कंप्लीट करके देने हैं, मिलते हैं मैं आपको थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड, तो हमारे जो ये साड़ियाँ हैं और तो इनके साथ ये ब्लाउज भी बन के तैयार हैं, तो ये जो साड़ी है इसके इनके साथ मैंने ऐसे ब्लाउज बनाई है, छोटे छोटे से ब्लाउज, और ये बोट नेक में बना रखे हैं, एकदम सिंपल ही है, और इसमें मैंने बैक में हुक दे रखे हैं, ये कुछ इस टाइप के बने हुए हैं, और इसके 4 ब्लाउज हो गए तैयार, तो ये कुछ इस टाइप से हैं। और जो ये धोती बना रखी है, तो धोती तो आपने देखी ली, उनके साथ मैंने ये वाले ऐसे कुर्ते बना रखे हैं इस टाइप में है, ये यहाँ से इस पे हुक हो गए और ये छोटे छोटे से कुर्ते हो गए, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये वाले कुर्ते भी, तो ये भी 3 कुर्ते बना रखे हैं और 3 ब्लाउज हैं एक ही जैसे हैं, तो और ये बना रखे मैंने परांदे, इसका आप भी बोल सकते हैं इनको, तो ये गढ़वाली ड्रेस के साथ चलता है सर पे, तो ये बना रखे मैंने 4, तो इन पे ये लेस ही लगाए मैंने, ये कपड़ा उनका प्लेन ला रखा था, और 2 पे ये ऐसी वाली लेस आ गई और 2 पे ये वाली लेस आ गई। फ्रेंड आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आपको जल्द ही एक अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।